हेलो बच्चों, तो आर इक्विवेलेंट का जो स्टोरी था वो हो रखा है ना। अब थोड़ा करते हैं सर्किट प्रॉब्लम। ठीक है, सर्किट प्रॉब्लम आज करेंगे। ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्किट, राइट? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्किट, सर्किट के बेस पे थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, राइट? तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्किट, ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा बन गया, देख, कोई बोलता आर इक्विवेलेंट, सॉरी, बैटरी लगा दिया है रेजिस्टेंस से 2 ओम, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, 3 ओम, 4 ओम, राइट, 10 वोल्ट है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी, बोलता है बैटरी से कितना करंट निकल रहा होगा, सबसे पहला ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसमें कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस बैटरी, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकालना आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी, मतलब बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन निकालना पड़ता है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है बच्चों कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इच, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इच रेसिस्टर, तो ये सबसे बातें हैं मुझे निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसको फर्स्ट मान लिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी। देखो बच्चों क्या करते थे, देखना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात यहाँ पे कर रहा है, ओके सर, ठीक है सर। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता क्या है कि नहीं, देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी, बैटरी के अक्रॉस, ठीक है, तो मुझे बताओ जो करंट यहां से गया है बैटरी से वही यहां पे गया होगा, मतलब ये तीनों रेसिस्टर क्या है, सीरीज में लगा हुआ है। अगर सीरीज में है तो तीनों आपस में क्या होगा, सीरीज में ही होगा, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्योंकि तीनों क्या सीरीज में है, बैटरी का एक्रोस इतना है लगा हुआ है कि नहीं, यस सर। तो कितना हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9, 9 ओम आ गया आंसर, फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड बोलना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी, जब ऐसा बोलना हो ना कि बैटरी से कितना करंट गया, इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ बच्चों, देखो इसको मैं ऐसा बना सकता हूं कि बैटरी से कितना करंट गया होगा, आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट है 9 ओम, और ये कितना है 10 वोल्ट, कितना करंट गया होगा सोचो, तो ये बैटरी से कितना हुआ करंट, तो बैटरी से जब निकालना है ना करंट, तो हमेशा याद रखना आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है, वी इक्वल टू आई आर, तो वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लेंगे, कब वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, तब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी बोल रहा हो तो, ठीक है। अब मुझे पता है सीरीज में जो इलेक्ट्रिक करंट यहां से मिलेगा वही इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तीनों में क्या आएगा है? तीनों में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, राइट, ओके सर। अब देखो बच्चों क्या है, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट की अगर बात है तो वी कितना, 10, आर इक्विवेलेंट कितना, तो 9, तो 10/9 ओम, ये सॉरी एम्पियर, ये आ गया इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, थर्ड एक बार देखो, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोला बच्चों कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टर। अब मुझे पता है कि जितना रेजिस्टर है सभी के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट कितना है, आई है, आई का वैल्यू है 10/9, तो मुझे निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, मान लिया मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, मान लिया मैं इसके पास वोल्टेज V2 है, मान लिया इसके पास वोल्टेज V3 है, तो V1 क्या हो जाएगा, I into R1, सिंपल सा बात है, I कितना है, तो I सब के लिए सेम है, जो I यहाँ वही I, वही I यहाँ, क्योंकि तीनों आपस में सीरीज में है, तो 10/9 into R1 कितना, देखो 2, तो 20/9 वोल्ट। V2 क्या होगा बोलो, तो I into R2, I कितना, 10/9, और R2 रेजिस्टेंस कितना है 3, कितना आ गया 10/3 वोल्ट, राइट, ओके सर। V3 कितना है बच्चों, तो V3 का वैल्यू है, V3 क्या है, तो I इंटू R3, I कितना 10/9 into 4, तो 40/9 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो ऐसा है,
क्या ये बच्चों समय में आया क्वेश्चन क्या? यस सर मुझे कुछ समय में आ गया। क्या बच्चों समय में आया क्या? यस सर। थोड़ा सा तुम्हें नहीं दिखा होगा शायद, कोई बात नहीं अब तुम्हें दिखने लगेगा। राइट, थोड़ा सा मैंने ये कैमरा में डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, चलो देख लो। तो वोल्टेज अगर निकालना है बच्चों तो सिंपल से यूज क्या करेंगे, वी इक्वल टू आई आर। अब चूंकि आई सेम होगा रेस्टर अलग अलग है, इसलिए ऐसा बात होने जा रहा है। ओके यस सर, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। क्या बच्चों समय में आया क्या? ये शायद तुम्हें नहीं दिखा क्या, है ना? तुम्हें अगर नहीं दिखा तो मैं यहाँ पे इसे अपनाता हूँ। देखो 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 देखो, वोल्टेज अक्रॉस इज रेजिस्टर, चलो ये दो का तो आंसर आ गया। तो वोल्टेज अक्रॉस इज रेजिस्टर की बात है ना, तो कैसे करेंगे? देखो तुम्हें नहीं दिख रहा इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। वोल्टेज अक्रॉस वन क्या होगा, आई इंटू आर वन। आई कितना है बच्चों, 10/9 है कि नहीं? आई का वैल्यू कितना था, 10/9, और आर वन कितना था, 2, तो 20/9 वोल्ट। वी टू कितना है, तो आई इंटू आर टू। आई कितना, तो 10/9। आर टू कितना, तो 3 ओम। कितना आ गया, 10/3 वोल्ट। ठीक है, 10/3। वी थ्री कितना है, तो आई इंटू आर थ्री। आई का वैल्यू कितना, तो 10/9 इंटू आर थ्री 4, कितना, 40/9 वोल्ट। तो बच्चों वोल्टेज अक्रॉस इस रेजिस्टर का वैल्यू आ गया। क्या बच्चों से तुम्हें याद रहेगा क्या? याद है। देखो क्या है बच्चों, जब बोले ना कि बैटरी से कितना करंट हो, करंट फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट हो, तो हमेशा ध्यान रखना V अपॉन R इक्विवेलेंट लिखेंगे, चाहे वो R इक्विवेलेंट, चाहे सीरीज हो, चाहे वो क्या हो, ये पैरेलल हो, तो हमेशा लिखेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये बातें अगर याद है तो समझो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे। ओके सर, और करते हैं। देखो बच्चों आज पूरा बिल्कुल आज पूरा सर्किट ही चलेगा, आज पूरा क्या चलेगा, सर्किट ही चलेगा पूरा पूरा आज, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल और करते हैं। देखो दस वोल्ट, वन ओम, टू ओम, थ्री ओम, राइट, ऐसे। अच्छा ये बताओ तीनों आपस में क्या है, तो सीरीज में है, सॉरी तीनों आपस में क्या है, तो तीनों रेजिस्टर आपस में क्या है, तो आपस में पैरेलल है। तीनों रेजिस्टर क्या आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब देखो तुम्हें, अच्छा ये बताओ सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी, बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा अक्रॉस द बैटरी, सुनना। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी, आई है इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम बैटरी। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे थर्ड देखो तो पैरेलल है आपस में, क्या है पैरेलल, तो सब में वोल्टेज क्या होगा बच्चों, सेम होगा, तो वोल्टेज तो क्वेश्चन ही आएगा, आएगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन ईच रेजिस्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन ईच रेजिस्टर, रेजिस्टर में हर एक रेजिस्टर में क्या निकालना है, हर एक रेजिस्टर में निकालना है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी, बैटरी, और फर्स्ट क्या है, आर इक्विवेलेंट ऑफ द बैटरी। तो देखो तीनों आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल है, तो 1/r क्या आ गया, 1/1 + 1/2 + 1/3, तो एलसीएम ले लो 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, 3, 2, 5, 6, 11/6, तो 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया। r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया कितना, देखो ये आ गया 6/11, उल्टा कर दो ये, है ना, r इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, तो 6/11, तो ये आ गया r इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। ओके सर, ये बैटरी के अक्रॉस आ गया 6/11 ओम, ठीक है। अब बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी, जैसे ही बैटरी से बोल दिया, सेकंड का आंसर है ये, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कितना है बैटरी का 10, अगर कितना 6/11, कितना आ गया 110/6 एम्पीयर। समझ में आया क्या, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि इसमें जो है ना, जैसे ये तो आई आगे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट निकालना है इस ब्रांच में, इस रजिस्टर में, तो मैंने मान लिया
I1, I2, I3, ठीक करेक्ट। सोचो कि जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी, वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी, वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी, क्योंकि तीनों आपस में क्या पैरेलल है, तीनों आपस में अगर वो पैरेलल है तो वोल्टेज क्या होगा, तीनों में सेम होगा और वही वोल्टेज होगा जो बैटरी का होगा, राइट। ओके सर, अब देखो बच्चों क्या है कि जैसे जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां भी। अच्छा ये देखो 10 वोल्ट है, यहां पे कितना है 10 वोल्ट, यहां पे कितना 10 वोल्ट, यहां पे कितना 10 वोल्ट। अगर मुझे I1 निकालना है यहाँ पे, तो I1 क्या होगा, तो I क्या होता है V बाय R होता है ना, तो V बाय R1, क्योंकि वोल्टेज क्या सेम है, तो V कितना है 10 वोल्ट, तो 10 बाय R1 कितना आ गया 10 एम्पियर, मतलब इसमें कितना आ जाएगा 10 एम्पियर करेंट। इसमें कितना आ जाएगा, इसमें निकालना है तो V बाय R2 करेंट, I2 का वैल्यू, तो V कितना 10 बाय 2 कितना 5 एम्पियर, इसमें कितना आ जाएगा बच्चों 5 एम्पियर आ जाएगा। इसमें बोलो कितना आ जाएगा, इसमें देखो इसमें कितना आ जाएगा I3, I3 का वैल्यू 10 बाय 3 वोल्ट, क्योंकि V बाय R3, तो 10 बाय 3 सॉरी करंट एम्पियर 10 बाय 3 एम्पियर। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो क्या है, जो करंट आया ना 110/6, अब सोचो कि तीनों को अगर जोड़ दो ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो वो करंट किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। जोड़ दो, अगर जोड़ दो, अगर सेम आ रहा हो जैसे 10 प्लस 5 प्लस 10/3 अगर सेम आ रहा हो, ठीक है, अगर क्या आ रहा हो सेम आ रहा हो, ये 55/3 आएगा मेरे ख्याल से, देख लो एक बार निकाल के, ये भी कितना आएगा 55/3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये 55/3 ही आएगा, मतलब अगर ये आ रहा हो समझो कि सेम आ रहा हो, समझो कि आंसर सही है। क्या बोला बच्चों समझ आया क्या? खास बात क्या है कि तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में पैरेलल है, तो जो वोल्टेज 10 वही यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अब यहाँ पे वोल्टेज 10 है और R1 यहाँ ये है, अगर अगर I1 निकालना तो V अपॉन R1 यहाँ निकालना है, तो V अपॉन R2 यहाँ निकालना, तो V अपॉन R3, सिंपल सा बात है। R3 3 था तो 3 हो गया 10/3, R2 2 था तो 5 एम्पियर, यहाँ पे 1 था तो 10 एम्पियर, तो ऐसे ऐसी चीजें हम निकाल सकते हैं। ओके क्या बच्चों समझ आया क्या? यस सर। तो करंट इन इच रेसिस्टर भी मुझे आ गया, मतलब तुम्हें आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलो और करते हैं, देखो प्रिंसिपल करेंगे आज, शानदार शानदार प्रिंसिपल करेंगे जो समझ में आ जाएगा। चलो देखो तो मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि बच्चा इसमें क्या होता है कंफ्यूज होता है, क्या होता है कंफ्यूज, थोड़ा देखो इस तरह, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछ, देख रहे हैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, शायद तुम्हें समझ में, शायद बच्चों को समझ में कम आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो ऐसा ठीक है ना, मान लिया मैंने 8 वोल्ट दे दिया, ठीक है, दे दिया 3 ओम, ये दे दिया 6 ओम। ओके सर ठीक है, इसमें मैं कुछ ऐसा कह दे, है तो सब कुछ सेम, इसको मैंने 3 ओम लिखा, इसको मैंने 6 ओम लिखा, 3 ओम 6 ओम, राइट। मैंने यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिया भाई यार, ये चाहो यहाँ पे लगा दो, बैटरी सब यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो बस। चलो 8 वोल्ट है, इसको मैंने दे दिया 1 ओम, ठीक है। अब देखते हैं क्या अंतर है दोनों, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर ये है बच्चों, अगर मुझे I1 निकालना हो और I2 निकालना हो, और सुनना पहले मेरे बात, ये 3 ओम के था 6 ओम, जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ भी, मतलब जो वोल्टेज यहाँ के था 8 वोल्ट है, तो यहाँ भी कितना होगा इसके क्रॉस 8 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा इसके क्रॉस 8 वोल्ट होगा, तो ये बात है ध्यान रखना, 8 वोल्ट है तो I1 का वैल्यू कितना होगा, तो I1 हो जाएगा V अपॉन R1, V कितना है तो V है कितना 8 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल आपस में है ना, तो पहले 8/3, 8/3, तो I1 का वैल्यू कितना 8/3 एम्पीयर, I2 का वैल्यू कितना, I2 का वैल्यू कितना 8 वोल्ट यहाँ, तो 8 वोल्ट यहाँ भी, तो 8 वोल्ट ये है, तो 8/6, तो 4/3 एम्पीयर। क्या बात समझ में आया क्या? यस सर। क्या यहाँ से निकाल सकते हो क्या कितना करंट गया होगा? यस सर। कितना करंट गया होगा सोचो, जो करंट यहाँ से गया वो I1 I2 में बट गया, और वही आई से बाहर निकल जाएगा, तो आई बराबर I1 प्लस I2 कितना 8/3 एम्पीयर प्लस 4/3 एम्पीयर कितना 8 4 12, 12 बाय कितना 12/3 कितना आ गया 4 एम्पीयर, ठीक
ठीक है, 4 रुपया आया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी, शॉर्टकट नियम है, ठीक है। इसमें थोड़ा देखते हैं, देखो इसमें अगर करंट आई है फ्रॉम द बैटरी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। कोई बोले कि मुझे बता दो कि I1 I2 कितना होगा, अब सुनना क्या है, जो 8 वोल्टेज है वो यहां भी 8 वोल्ट, यहां भी 8 वोल्ट आएगा क्या? अब नहीं आएगा 8 वोल्ट, क्योंकि बीच में क्या आ गया, रेसिस्टर आ गया यार सीरीज में। तो अब ये 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट अब नहीं होगा, यहां रेसिस्टर कहीं बीच में नहीं था तो 8 वोल्ट यहां, तो यहां भी 8 वोल्ट, यहां भी 8 वोल्ट था। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि अब सोचो कोई इसमें बोल दे कि निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई अगर बोल दिया कि मुझे बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। तो अगर कोई बोल दे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ अक्रॉस द बैटरी, क्या आंसर आएगा? तो अक्रॉस द बैटरी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, उसकी अगर बात मैं करूं तो क्या आएगा, थोड़ा सुनना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो 1/6 प्लस 1/3 कितना आएगा, या तो दो रेजिस्टर आपस में पैरेलल, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इसका तो 3 × 6/3 + R1 × R2 / R1 + R2 होता है ना। दो रेजिस्टर अगर आपस में होना पैरेलल, तो लिखा जाता है दो अगर आपस में R1 × R2 / R1 + R2, ये आया कहाँ से है, ये आया वहीं से है, कहाँ से, 1/R1 = 1/R1 + 1/R2, ये वहीं से आया है। तो कोई बात नहीं, मैं इसे रख लेता हूँ, ठीक है, तुम भी क्या करो इसे रख लो। तो 3 × 6/3 + 6 कितना, 18 × 9 2 ओम, 2 ओम उसके साथ ये क्या है, तो उसके साथ 1 ओम क्या है, ये इक्विवेलेंट हो गया इसका, कितना 2 ओम, उसके साथ 1 क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में कितना आ गया, 2 + 1 कितना आ गया, 3 ओम। तो यहाँ पे, यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना है, तो यहाँ, यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना है, तो 2 ओम था, यहाँ पे कितना है, 3 ओम है। सुन रहे बच्चों क्या, ये सर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी निकालेंगे, बैटरी से कितना इलेक्ट्रिक करंट है, मुझे पता है कि I = V / R = V कितना है, तो V का जो वैल्यू है वो कितना है, V का वैल्यू है 8 वोल्ट, और जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो कितना है, तो जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो कितना है यहाँ पे, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर देखा जाए बच्चों, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे V कितना है, 8 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना है, तो 3 ओम, कितना आ गया, 8/3 एम्पियर, ये आ गया करंट फ्रॉम द बैटरी। क्या बच्चों समझ में आया क्या, ये 2 ओम था, उसके साथ ये 1 ओम क्या है, सीरीज में है। अच्छा सीरीज में ऐसे है, ऐसे लिख सकता है तुम, देखो अगर तुम चाहो तो अलग अलग सर्किट में भी तुम लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, अच्छा सोचो इसका इक्विवेलेंट लिखो कितना, 2 ओम, 2 ओम लिख लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना, 1 ओम, यहाँ पे कितना, बैटरी, राइट, तो यहाँ पे कितना, 8 वोल्ट, यहाँ पे 1 ओम। अब सोचो 2 × 8 = 3, तो इसको 2 ओम लिख के अलग सर्किट से कर सकते हो, राइट, ओके सर। अच्छा बच्चों ये बताओ, अब मुझे निकालना है कि I1 I2 क्या होगा, अब सुनना पहले, I1 I2 क्या होगा, कैसे निकालेंगे I1 I2, थोड़ा सीखो। I1 I2 अगर मुझे निकालना हो यहाँ पे, तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे, देखना क्या वोल्टेज 8 वोल्ट जो है, 8 वोल्ट यहाँ भी, 8 वोल्ट यहाँ भी है क्या, नहीं, क्योंकि बीच में रेसिस्टर आ गया, तो 8 वोल्ट अब नहीं रहा। अब क्या करेंगे, सबसे देखेंगे कि ये जो 1 ओम है कितना वोल्ट खाया, तो इसके अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखूंगा I × R1। अच्छा I कितना है, तो I है 8/3, और यहाँ पे कितना ओम रेजिस्टर है, तो 1, तो कितना आ गया 8/3, 8/3 कितना आ गया, वोल्ट आ गया, मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 8/3 वोल्ट। तो सोचो एक साइड कितना वोल्ट था, 8 वोल्ट था, ये खाया कितना, तो ये अपने अंदर खा गया है 8/3 वोल्ट खा गया है। जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, जो वोल्टेज बचेगा वो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस हो जाएगा, जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी हो जाएगा। अब देखो एक क्या करो, 8 वोल्टेज था और 8/3 इसने खा गया, तो कितना बचा, बच गया 24 - 8 कितना बचा, 16/3, ठीक है, 16/3 वोल्ट जो होगा ना वो इसके क्रॉस जाएगा, वो इसके अक्रॉस हो जाएगा। तुम चाहो तो इसको ऐसा बना सकते हो, 3 ओम, ये कितना 3 ओम, ये कितना 6 ओम, तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो, कितना वोल्टेज बचा बच्चों, तो 16/3 वोल्ट बचा। देखो 8 वोल्ट था, इसने कितना खाया,
8 बाय 3 वोल्ट, तो 8 वोल्ट से 8 बाय 3 क्या कर दो, माइनस कर दो, जो बचेगा ना वो इसके क्रॉस आएगा वोल्टेज, ठीक है। कि मुझे पता है दोनों आपस में क्या पैरेलल हो, जितना वोल्ट यहां वही वोल्ट यहां, तो मैंने इसको ऐसा लगा दिया। अब यहां से I1 और I2 अब निकाल सकते, अब जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां, क्योंकि बीच में रेजिस्टर है क्या, नहीं बीच में कोई भी रेजिस्टर नहीं है, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 V, ठीक है क्या, यहां पे मान लिया R1 उस V1, उससे कोई दिक्कत नहीं है। V1 कितना हो जाएगा, तो 16/3, R1 कितना है तो 3 है, तो 16/9 एम्पीयर। I2 कितना हो जाएगा, तो V अपॉन R2, V कितना है तो 16/3, R2 कितना है 6 है कि नहीं, तो 16/ कितना ऐसे 8 और ये 3, तो 8/9। जिसको डाउट है वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है इस बेझिझक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन तो पूछना ही है, ठीक है। चलो और करते हैं, देखो तो मैंने सीरीज में रेजिस्टर लगा दिया था एक समय और एक समय नहीं लगाया था, कितना अंतर क्वेश्चन में, क्या बच्चों समय आ गया क्या, यस सर समय आ गया। अब थोड़ा देखो और करते क्वेश्चन देखो। अच्छा ये बताओ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसी बच्चे ने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर बताओ इसका सोल्यूशन क्या आएगा, देखना। चलो 10 वोल्ट है मान लिया, 2 ओम है, 3 ओम मान लिया, 6 ओम मान लिया, इसे मान लिया 8 वोल्ट, राइट, ओके सर। अब बताओ, बोलता है कि करंट फ्रॉम द बैटरी निकालना हो, चाहे इसमें करंट निकालना हो, चाहे इसमें करंट निकालना हो, चाहे वोल्टेज निकालना हो, कुछ भी बोल दे निकाल सकते हैं, ठीक है क्या, ओके सर। तो क्या 8 वोल्ट है, अच्छा ये देखो ये आपस में क्या है, तो ये इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो बच्चों ऐसे बना सकता हूँ, 8 वोल्ट है, इसके साथ ये 2 ओम है। अब देखो अच्छा ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है ना बच्चों, पैरेलल क्यों पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल इसलिए है कि ये रेजिस्टर यहां से स्टार्ट हुआ है और ये भी यहां से स्टार्ट हुआ है, दोनों का स्टार्टिंग और जो लास्ट एंड वो क्या है, सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है और एंडिंग पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है, दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। अब पैरेलल अगर है तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा आपस में पहले 6 × 3 अपॉन 6+3 कितना 18/9, तो 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम मैंने लिख लिया, समझ आया बच्चों, यस सर 2 ओम, यहाँ भी 2 ओम, करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V कितना 8, अब दोनों आपस में क्या हो गया सीरीज में, 2 × 2 = 4 कितना आ गया, 2 एम्पीयर करंट आ गया, 2 एम्पीयर करंट कहां से, बैटरी से कितना आ गया 2 एम्पीयर करंट, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू I R, तो इसमें I कितना है, सोचो ये क्या है सीरीज में है, सीरीज में है ना ये इसके बैटरी के साथ, तो 2 × 2 I है, 2 ये R भी है, तो 4 वोल्ट, इसके कितना आ गया, इसके अक्रॉस आ गया 4 वोल्ट। अब देखो क्या है बच्चों, 4 वोल्ट जो यहां पे बचा, 4 वोल्ट ये खा गया, अब बचा कितना 4 वोल्ट, 4 वोल्ट ही इसके अक्रॉस आएगा, जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां भी आएगा। अब थोड़ा सीखो, जो वोल्टेज यहां मतलब सोचो कि 8 वोल्ट में से 4 वोल्ट इसने खा गया, तो 8 − 4 कितना बच गया 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा और इसके अक्रॉस आएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है ये पैरेलल है, तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, देखो तुम चाहो तो इसको ऐसा देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो कितना वोल्ट इसके क्रॉस, कितना वोल्ट 4 वोल्ट, अब कितना बचा 4 वोल्ट, क्योंकि 8 वोल्ट अब नहीं बचेगा इसके क्रॉस, क्योंकि ये खा गया 4 वोल्ट, ठीक है। अब 4 वोल्ट है, 6 ओम, ये 3 ओम, अब सोचो I1 I2 निकालना है, अब मुझे पता है कि I करंट, अब सोचो कि जो करंट ये करंट जो है यहां I1 यहां पे I2, ठीक है। अब सोचो कि मुझे निकालना है I1 निकालना है और I2 निकालना है, कैसे मैं निकालूंगा, सोचो एक बार, यहां I1 है मान लिया है ना, और यहां पे I2, ठीक है। अब तो देखो कैसे बनेगा, ये I1 निकालना है, देखो जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां, तो कितना है 4 वोल्ट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो, I1 क्या हो जाएगा, तो V अपॉन R1, तो I1 क्या, V कितना 4/3, तो 4/3 एम्पीयर। I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा
वी बाई आर टू, तो भी कितना 4 वोल्ट अपॉन 6 एम्पियर। तो बच्चों याद रखेंगे कि जो जब जो बैटरी खाया वोल्ट, तुम चाहो तो ये सर्किट नहीं भी बनाओ, सिंपल से कितना वोल्ट खाया 4 वोल्ट, 4 वोल्ट जो बचा वो इसके क्रॉस आएगा, 4 वोल्ट यहाँ लगा दो तो कितना आएगा आई टू, तो 4 अपॉन 6 वी वाई आर एम्पियर, ये कितना जाएगा 4 वोल्ट 8 कर दो माइनस, तो 4/3 एम्पियर। तो ऐसा ऐसा चीजें तुम्हें आना चाहिए। अब देखो बच्चों इसमें कोई खास बात नहीं है, किसी ने पूछा तो उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी, कोई बोला आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट आसान है, कितना दे दो 4 है ना, बैटरी इसका 2 इसका 2, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए। चलो देखो मैं कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद करवाऊंगा, जो तुम्हें लिखवाऊंगा। देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो तुम्हें बाद में काम आएगा। ये प्रॉब्लम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बच्चों, प्रॉब्लम। चलो देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें मैं रटाने के लिए चाहता हूं। सबसे पहला, दोनों आपस में पैरेलल है, मैं इसे रटा चुका हूं कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों आपस में पैरेलल है तो आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये सब मैं तुम्हें बता रखा हूं, ठीक है बच्चों, ओके सर। अब मुझे कुछ बातें जानना है जो बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है थोड़ा सा। देखो कैसे, ये करंट मान लो आई गया है, ये आर वन है और ये क्या है आर टू है, करंट आई टू गया है, यहां से करंट क्या गया है आई वन गया है, ठीक है। मुझे निकालना है, देखो आई करंट गया है तो आई क्या होगा, बाहर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचो तो यहां से लिख सकता हूं मैं आई बराबर आई वन प्लस आई टू, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट यहां से गया ना वो इसमें इसमें क्या होगा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब दोनों में वोल्टेज क्या होगा बच्चों, दोनों में वोल्टेज क्या होगा सेम, क्यों वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है ये पैरेलल है, ठीक है। अब कुछ बातें जानना है, देखो मुझे लिखना है आई वन का वैल्यू और आई टू का वैल्यू क्या होगा आर वन आर टू और आई के फॉर्म में, देखना मुझे पता है ये तो चीज है, ठीक है। अच्छा बताओ वी इक्वल टू आई आर, सही बात है क्या, दोनों में वोल्टेज क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है ना पैरेलल, तो दोनों में वोल्टेज क्या है सेम, वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज क्या है दोनों में कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल टू आई आर, ठीक है क्या। मतलब लिखा सकता है कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, सही बात है क्या, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन आर हो जाएगा तो आई इनवर्सली टू 1 अपॉन आर, मतलब क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट वोल्टेज है आर इंक्रीज तो करंट डिक्रीज, तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो या तो ऐसा देख लो ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब जो वोल्टेज यहां पे वही वोल्टेज यहां भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसको मैं सर इसका और क्या देख लो कि आई वन उछोड़ दो है ना, आई वन आर वन इक्वल टू आई टू आर टू, ऐसा लिख सकता हूं क्या, देख क्योंकि जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां भी, तो आई वन आर वन वोल्टेज जो है वही वोल्टेज यहां भी आई टू आर टू, ठीक है। यहां से इसको लिखता हूं कि आई वन अपॉन आई टू इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, ये सही बात है क्या, देख दो आई वन अपॉन आई टू इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, सही बात है क्या, यस सर, ठीक है। अब थोड़ा देखो I1 upon I2 plus 1 कर दो और यहां भी R2 upon R1 plus 1 कर दो तो क्या आएगा, I2 LCM आ गया, I1 plus I2 आ गया, ये R1 में ये R2 plus R1 upon R1 आ गया, सही बात है कि यस सर। अब बताओ I1 plus I2 क्या है, तो I करंट है कि नहीं, I करंट, तो इसको मैं लिखूंगा I upon I2 equal to R1 plus R2 upon R1, तो क्या याद रखेंगे I2 का जो वैल्यू होगा वो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ये फॉर्मूला याद रखेंगे I2 का I के टर्म में, ये डायरेक्ट इसे क्या होगा क्वेश्चन बनाने में तुम्हें आसान लगेगा। I2 का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से I2 का हो जाएगा, अब देखना इधर I2 अगर होगा ना तो R1 लूंगा मैं, R1 अपॉन R1 प्लस R2 मतलब दोनों का समेशन इंटू करंट जो सर्किट में जा रहा था, समझ आया बच्चों, यस सर। अगर मुझे I1 लिखना है तो क्या होगा, I1 अब सोचो I2 लिया तो R1 लिया, सोचो कि I1 अगर निकालना है इसे क्या करो उल्टा कर दो I2 अपॉन, इसे उल्टा कर दो I2 अपॉन I1 कर दो, ये R1 अपॉन R2 बन जाएगा, सही बात है क्या, यस सर। अब यहां से प्लस वन कर दो, यहां से प्लस वन कर दो, फिर निकालोगे तो वहां से I1 का वैल्यू आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, समय में आया बच्चों क्या है, यस सर। क्या ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें समय में आया क्या, यस सर। अगर ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें याद हो गया, अगर ये तुम्हें शॉर्ट ट्रिक अगर तुम्हें याद हो गया तो समझो कल्याण है, ठीक है क्या। अगर ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें याद हो गया तो समझो क्या है,
कल्याण है। तो करंट जो होगा ना वो मुझे याद होना चाहिए, क्या होगा आई टू में, क्या होगा आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई, और आई वन क्या होगा तो आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई। अच्छा आई वन ऐसे निकलेगा तो आई वन वैसे निकलेगा कि आई वन अपॉन आई टू को उल्टा कर दो, आई टू अपॉन आई वन, ठीक है, उसके बाद एडिशन कर दो तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो मैं इसके एप्लीकेशन करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखो तो क्या क्या बातें हैं, है ना, क्या क्या बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या क्या बातें हैं, तो बातें कुछ ऐसा है, देखो करंट अगर आई गया हो, आर वन हो और आर टू हो, आई वन निकालना है और आई टू निकालना है, या आर वन हो आई वन का क्या हो जाएगा तो आर टू अपॉन, जब पैरेलल होगा तभी याद रखना, इनटू आई, ठीक है, और आई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई। तो ये सब बातें हैं ना याद होनी चाहिए, ठीक है क्या। ओके सर, जो मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ा सुनना ना, मैंने अभी दिया था कि 8 वोल्ट दिया था ना, और यहाँ पे दिया था 2 ओम, यहाँ पे दिया था मैंने 6 ओम और 3 ओम। थोड़ा देखो इसको मैं थोड़ा करता हूँ, 8 वोल्ट यहाँ कितना था 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, ठीक है, और यहाँ कितना था 6 ओम, राइट 6 ओम, ठीक है। अब देखो मुझे अगर सोचो यहां से मुझे आई का वैल्यू आया था, आई का वैल्यू कितना आया था, तो इसका वैल्यू कितना 2 ओम, इसका भी दो, ये दो दो चार, तो आई का वैल्यू कितना आया था 8/4, तो 2 एम्पियर, यहां पे कितना आया था 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इसमें अंदर गया, ये आई वन, ये आई टू मान लो, ये क्या मान लो आई वन मान लो, तो आई वन का वैल्यू क्या होगा, तो आई वन का वैल्यू होगा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई। आई करंट कौन सा, आई करंट वो जो जो इसके अंदर गया हो, आर वन आर टू के अंदर गया हो, तो देखो तो 2 एम्पियर जो है ना आर वन आर टू के अंदर गया है, ये आई वन है तो आर वन होगा, ये आर टू है तो आर टू होगा, ठीक है। अब आई वन निकालना है तो आर टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इंटू आई, आई कितना अंदर जा रहा था 2 एम्पियर, कितना आंसर आ गया देखो, तो 6/9 इंटू टू कितना आ गया 3, 2, 3 जा 3, 3 कितना आ गया 4/3 एम्पियर, देखो वही आंसर आ गया जो मैंने लिखा था उसमें, ठीक है। शॉर्ट ठीक है, ये पूछिए अगर आई टू निकालना है तो क्या करूंगा, आई टू का निकालना है तो आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई, आई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आर वन कितना है देखो, तो आर वन 3 अपॉन 3 प्लस 6 इंटू आई, आई का वैल्यू कितना 2, तो कितना आएगा 6, 6/9 एम्पियर, जो वहां आ रहा था आई टू का वैल्यू वही यहाँ आ गया। स्वयं आया बच्चों, क्या है ठीक है क्या, समझ में आ गया क्या, यस सर समझ में आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा क्या, यस सर बन जाएगा। देखो यहाँ पे आई था तो आई वन आई टू, यहाँ पे आई कितना 2 एम्पीयर है तो आई वन आई टू, सिंपल सा बात है, लॉजिक क्या लगता है, ठीक है। ओके सर चलो और करते हैं, देखो चलो देखो एट वोल्ट 1 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम, ठीक है। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द बैटरी, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द बैटरी, बैटरी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट, सोचो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट और अक्रॉस द बैटरी बोल रहा है, तो ये कितना हो गया 6, 3 का पैरेलल, तो आर वन इंटू आर टू, आर वन प्लस आर टू कितना आ गया 18/9 2, 2 2 के 3 के साथ क्या है 3, 3 2 5, 5 6 6, तो आर वन कितना आ गया 6 ओम आ गया, मैंने ये ऐसा ऐसा चीजें समझा रखा 6 ओम आ गया, ठीक है। अब कोई बोलता है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी, आई निकालना है बैटरी से, तो क्या करूंगा, बैटरी से अगर आई निकालना है तो आई इक्वल टू वी बाई आर इक्वल टू वी कितना है तो 8/6 एम्पेयर, मतलब 4/3 एम्पेयर करेंट आ गया फ्रॉम द बैटरी, ठीक है बच्चों। ओके सर, 4 3 12 2 6, ठीक है। अब बोलता है कि मुझे बताओ इसमें आई वन मान लिया, मतलब निकालना है करंट अक्रॉस 3 ओम, क्या निकालना है करंट अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर, 3 ओम रेसिस्टर, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सीखो सीखो तर। अब सोचो कि जो करंट यहां से निकला वही करंट यहां भी होगा, वही करंट आई वन आई टू में गया होगा और यहां से आई से निकला होगा, सही बात है क्या, यस सर। आई पता है, आई वन निकालना है, इसको मैंने आई वन मान लिया, आई वन क्या होता है
तो आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई, तो आर टू कितना है बच्चों, अब आई वन है तो ये आर वन होगा, ये आई टू है तो ये आर टू होगा, तो सिक्स अपॉन सिक्स प्लस थ्री इंटू फोर बाय थ्री, ठीक है, ये कितना आंसर आ जाएगा, सिक्स वन नाइन इंटू फोर बाय थ्री, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा कितना, 24/27, 8 3 जा 9 3 जा, तो कितना आ जाएगा, आई वन आ जाएगा 8/9। कोई बोले कि इलेक्ट्रिक करंट निकाल दो अक्रॉस द 6 ओम, तो 6 ओम में तो आई टू जो आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई, आर वन कितना 3 बस 3 प्लस 6 9 इंटू कितना 4/3, तो इतना एम्पियर आंसर आ गया करंट अक्रॉस द 6 ओम और ये करंट अक्रॉस द 3 ओम। क्या बच्चों समय में आया क्या? यस सर समय में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो देखो, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देख लो इसमें और अच्छे से, देख लो अच्छे से, समय में नहीं आए तो क्या क्या तुम्हें सर्किट से प्रॉब्लम हो जाएगा क्या? यस सर, मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दूंगा, मैं क्या करूंगा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दूंगा सही से, उसमें से तुम्हें समझ में आना चाहिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं बहुत ज्यादा सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है क्या? यस सर, तो आज से क्लास इतना ही, राइट।